Assalamu alaikum student, I am Salman Hassan, welcome to my YouTube channel Sindh Board Mathematics. Student, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना है जो कि आपके पास पेपर में भी आया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसको गौर से समझना है, क्या पता ये आपके पेपर में आ जाए. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया है जो कि आपको दिया हुआ है, ये और ये रहा आपकी बुक का, हू बहू मैंने वैसे लिख लिया है. तो इसको सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जिस तरह का क्वेश्चन था उसको हू बहू कॉपी कर लिया. लेकिन इसके अंदर मुझे क्या मालूम करना है, एक्सट्रीम्स वैल्यू. तो एक्सट्रीम वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू को इनडायरेक्ट वे में यही कह देंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करके दें. तो इसका मतलब यह है कि यही 6 स्टेप को फॉलो करना है और अपना आंसर देना है. तो चलें जी आए. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 लिखना है. तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 के अंदर भाई जो हमें गिवन क्वेश्चन होता है उसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख बना देते हैं. ठीक है, तो चलें जी लिख देते हैं, f of x is equal to x minus 2 into x minus 3 divided by x square. ठीक है, इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल. फिर आ जाए अगला, फिर आ गया स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं. तो याद है यहां पे लिख देंगे टेक फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, तो डेरिवेटिव भी लिख देते हैं, डेरिवेटिव. ओके, आगे चलते हैं. अब डेरिवेटिव लेना है मुझे किस पे लेना है, इसके ऊपर. तो f ऑफ डैश x हो जाएगा, सॉरी अभी डेरिवेटिव नहीं ले रहा मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x, सॉरी इनटू अपॉन x स्क्वायर. अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, जरा देखिएगा अपॉन डिवीजन का फार्मूला लगेगा, और उसके अलावा ऊपर जब डेरिवेटिव ले रहा हूँ फार्मूले के अंदर तो मल्टीप्लाई का भी फार्मूला लगेगा. तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्वेश्चन देखिएगा कितना आसान हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा इसके ऊपर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लूंगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जरा देखिएगा. सबसे पहले मैंने इन ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुई है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो जरा देखिए, एक्स से एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, और एक्स से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3x, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो 2x, और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 3 6. ठीक है स्टूडेंट, सिंपल मल्टीप्लाई हो गए. अब आगे चलते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर था, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, तो ये माइनस 5x हो जाएगा, और प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अब जरा देखिए क्या होगा आगे. तो एक्स स्क्वायर जो ये वाला एक्स स्क्वायर है ना, अब हर टर्म के नीचे लेके आ जाऊंगा. ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा क्या होगा, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, अब देखिएगा चीजें कैंसिल कैंसिल हो गई. एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हुआ तो 1 बच गया, x से x स्क्वायर कैंसिल किया तो डोमिनेटर के अंदर 1x बच गया, और प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ऊपर कोई कैंसिलेशन करने की चीज है नहीं x को. ठीक है स्टूडेंट, तो अब एक चीज देखिएगा, यहां पे हो गया f ऑफ x. अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है. लेकिन डेरिवेटिव जब लेंगे, आपको पता है डोमिनेटर जब मेन फंक्शन डोमिनेटर में, तो आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते. तो लिहाजा सबसे पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, आप इसको क्या कर देंगे, सिंपल सीधा करेंगे. तो क्या करेंगे, x की पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी, और इसी तरीके से 6 है ऊपर 2 की पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी. ठीक है, नीचे प्लस था तो ऊपर जाके 2 हो गया. तो अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव लूंगा. तो देखिएगा, पहले जब मैं अगर इसके ऊपर डेरिवेटिव लेता तो कितना मुश्किल था, अब मैं बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले थे उनकी मदद से इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं. ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा क्या होगा इसका डेरिवेटिव. तो f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ डैश लिख देता हूं क्योंकि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, इज इक्वल टू, अब जरा देखिएगा यहां पे क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0. ठीक है, क्योंकि माने कौन सा नंबर है. अब आने 5 बाहर आ जाएगा, मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगे तो पावर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गई. ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन आ गया, और एक्स की पावर माइनस 1 से माइनस 1 गया तो माइनस 2 बन जाएगा. सिंपल, प्लस 6 अब पावर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 6 बाहर निकल जाएगा और मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगेगा तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और पावर में से एक कम कर, पावर में से माइनस करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा. सिंपल, ठीक है स्टूडेंट. तो हम लोगों ने इसके ले लिया है डेरिवेटिव. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको चीज समझ आ जाए कि हाँ भाई क्या हुआ है. तो जरा ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस का 5 हो जाएगा, और एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगी. प्लस अब देंगे 2 मल्टीप्लाई में माइनस 6, 6 मल्टीप्लाई में माइनस 2, तो ये माइनस का 12, और एक्स की पावर माइनस 3 बन गई. ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी. अब आपको देखिएगा हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है. तो लिहाजा स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट. स्टेप नंबर 2 को हम क्या कहते थे, यहाँ पे इक्वेशन 2 कहते थे फर्स्ट डेरिवेटिव को. स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के ऊपर चलेंगे. तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं. तो लिहाजा यहाँ पे चाहे तो आप लिख दें भाई टेक
सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं, तो देखिए एफ ऑफ डबल डैश हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाए फाइव आपका बाहर आ जाएगा और मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगेगा एक्स की पावर माइनस टू के साथ, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई और पावर में से एक कम किया तो माइनस थ्री बन गया, माइनस ट्वेल्व एफ इस तरीके से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और पावर में से एक कम किया तो माइनस फोर बन जाएगा, सिंपल। तो इज इक्वल टू देखें क्या होगा, डेरिवेटिव आपका सिंपल आ गया है, कोई मसला ही नहीं था यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस टेन एक्स की पावर माइनस थ्री, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 थ्री था 36, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया और एक्स की पावर माइनस फोर हो गई, सिंपल। तो ये आपने क्या ले लिया, डबल डेरिवेटिव ले लिया। अगर अब देखें अब डबल डेरिवेटिव ले लिया ना, अब इसको जरा देखिए चीज करूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। एक्स इज इक्वल टू इसको थोड़ा ना मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, कैसे करता हूँ देखो, ऊपर पावर माइनस थ्री अपॉन में आके पॉजिटिव हो गई, इसी तरीके से 36 डिवाइडेड बाय पावर ऊपर के माइनस फोर अपॉन में आके पॉजिटिव हो गई, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देखिएगा अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरा आंसर और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखेंगे नीचे सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर फोर है, तो इसके पास जब देखेंगे तो यहाँ पे नीचे एक्स की पावर फोर से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर एक्स की पावर फोर है नीचे एक्स की पावर थ्री है, कैंसिल आउट किया तो मेरे पास ऊपर क्या बचा एक एक्स बच जाएगा। अब आगे चलते हैं प्लस, जरा देखिएगा इधर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस 36 सिंपल ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी स्टूडेंट, क्योंकि नीचे एक्स की पावर 4 है वो उसके पास जाएगी, तो नीचे भी एक्स की पावर 4 है ऊपर भी एक्स की पावर 4 है, कैंसिल आउट करके 1 बचा, 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना डबल डेरिवेटिव भी ले लिया, वो क्या आया माइनस 10x प्लस 36 अपॉन एक्स की पावर 4, तो ये क्या ले लिया आपने सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 के अंदर स्टेप नंबर 3 तो हो गया कंप्लीट, सेकंड डेरिवेटिव लेना था। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या मालूम करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट एक मैं बात बता दूं आपको, बड़ी काम आएगी कि स्टेशनरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहीं ना कहीं अगर क्रिटिकल वैल्यू के एमसीक्यूज में आ जाए तो घबराना नहीं है, स्टेशनरी वैल्यू भी कहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं या स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं, इनको मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हम एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रख देते हैं, उसको स्टेशनरी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे। चलें जी, तो अब एफ ऑफ डैश की वैल्यू कहां से आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2, एफ ऑफ डैश इक्वेशन 2 से वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन 2 ये रही। तो जरा यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आया 5 एक्स की पावर माइनस 2 12 एक्स की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या करना है, यहां से मुझे क्या करनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो जरा देखिएगा मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखें ये माइनस का इज इक्वल टू का उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 2, ठीक है। ये माइनस का उधर जाके इज इक्वल टू का प्लस का 12 की पावर माइनस माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा उलट दूंगा। तो जरा देखिएगा कैसे उलट दूंगा, तो 5 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगी प्लस और इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगी। अपॉन में ले आया, नेगेटिव था तो अपॉन में आगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव था अपॉन में आगे पॉजिटिव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए क्या होगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, डोमिनेटर में ना एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, तो ये आगे आपके क्या बचा, 5 अपॉन 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स बच जाएगा, क्यों, यहाँ पे 3 थी यहाँ पे 2 था, तो 3 में से 2 तो कट गया और 2 कट गया तो यहाँ पे एक एक्स बच गया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, तो एक्स को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5x था 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 12 वन था 12। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जरा देखिए क्या होगा, आप लोगों को स्टेप नंबर 4 में क्या मालूम करना होता था, एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती थी, तो ये आपने सिंपल मालूम कर ली है। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में रिलेटिव चेक करेंगे कि भाई ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो उसके लिए एफ ऑफ डबल डैश के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो पेज लेके आता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 5 के अंदर हम चेक करते हैं कि भाई रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भाई क्या मालूम करने हैं, रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है सिंपल। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए करते हैं, एक्स की वैल्यू जो है डबल डैश के अंदर पुट करते हैं, तो डबल डैश हमें क्या दिया हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 3 से वैल्यू आएगी, तो माइनस 10 एक्स की पावर एक्स प्लस 36 अपॉन एक्स इसकी पावर 4 है, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा ये कहां से आई है, इक्वेशन 3 से आई है, तो आप चाहे तो रेफरेंस भी दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब आपको बात समझ आए कि ये जो मैं इतनी सिंपलीफिकेशन की थी किस लिए की थी, ताकि इन द एंड जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इजिली पुट कर सकेंगे, अगर आप डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट कर रहे होते तो मुश्किल होती, पावर एक्स की माइनस थी ना, तो इसलिए मैंने एलसीएम शेलसीएम लेके आपको सिंपल कर दिया था, ताकि हम लोग डेरिवेटिव जो इसके ऊपर वैल्यू एक्स की वो सिंपल पुट कर सकें, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 12 अपॉन 5 पुट करनी है, तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर एक्स है वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 12 अपॉन 5। तो जरा देखिए माइनस 10 है इनटू 12 अपॉन 5, ठीक है, प्लस 36 डिवाइडेड बाय
12 अपॉन 5 की पावर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो जैसे ही आपको कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिखेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर और अपना आंसर दे देंगे, आंसर नहीं देखेंगे कि चेक करेंगे भाई क्या आ रहा है। तो -10 मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन, सबसे पहले डिवाइड है फिर अपॉन में क्या लिखना है -10 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 12 अपॉन ये क्या है सॉरी -10 ठीक है मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 12 अपॉन 5 से। ठीक है जी, तो यहां पे मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, अब ये प्लस किससे करना है 36 से, सिंपल हो गया। ठीक है तो ये कर दिया मैंने, क्या है मेरा आंसर 12 और ये किससे डिवाइड हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा था ऊपर आगे 12 और नीचे क्या लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है मेरे पास ऊपर था 12 और इसके नीचे क्या था नीचे लिखा हुआ है 12 अपॉन 5 की पावर 4 लेनी है, तो आप ले लें इसके ऊपर पावर 4 सिंपल। ठीक है जी, तो मैं ले लेता हूँ भाई, तो ये आ गई पावर, इसके ऊपर मैंने कौन सी ले ली 4। तो जरा देखिएगा ऊपर जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास 12 आ गया था, तो नीचे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो ये सोल्व किया तो मेरे पास ओवरऑल क्या आया, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 0.361। तो जरा इसको लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई एफ ऑफ डबल डैश मेरा क्या आया है, जो आया वो लिख देते हैं। तो एफ ऑफ डबल डैश 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.365। तो अब मुझे बताएं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई ये पॉजिटिव है। तो जब ये एफ ऑफ डबल डैश पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, पॉजिटिव आया तो यहाँ पे आप लिख दें भाई एट एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 द फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन लिख दें वरना एफ ऑफ एक्स भी लिख दें, द फंक्शन हैज रिलेटिव क्या आएगा, रिलेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो अब स्टेप नंबर 5 हो गया कंप्लीट, हमने पता कर लिया कि भाई ये क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम स्टेप नंबर 6 करेंगे। स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने वैल्यू मालूम करनी होती है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें भाई फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो होती है हम किसमें पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है इक्वेशन नंबर 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। चले जी, तो अब हमने क्या करना है, इसको करेंगे इसके अंदर क्या है, इक्वेशन 1 से लिया ना, तो यहाँ पे रेफरेंस भी दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ अपॉन 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 माइनस 2 और 12 अपॉन 5 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 5 की पावर स्क्वायर। अब कुछ होशियार बच्चे यहाँ पे बताऊँ क्या करेंगे, एक एक एलसीएम लेंगे, एक एक स्टेप करके दिखाएंगे। बेटा कैलकुलेटर यूज करिएगा, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन नहीं देखना चाहते, आंसर देखना चाहते हैं जो आपने उसको इतना लंबा करके दिखा दिया। तो इसको अगेन आपने क्या करना है, एलसीएम लेना, तो अपना कैलकुलेटर को यूज करें, अपना दिमाग कम यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको दिमाग और जगह भी यूज करना है। तो -2 था, तो इसका एलसीएम लिया आपके पास क्या आया, 2 अपॉन 5 आया। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे, तो ये 12 अपॉन 5 है, ये माइनस हो रहा है 3, तो आपने किया तो ये कितना आया, -3/5 आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 12 की पावर 4, इसको भी कर देते हैं सिंपल, तो वो क्या आएगा उसको मैं इन द एंड करके दिखा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। अब जरा देखिएगा क्या होगा, 2 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 डोमिनेटर 5 5 25। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, 12 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, और डिवाइड 5 का स्क्वायर करूंगा, 25 आ जाएगा। इतनी बात तो मानते हो, ये वाला 5, ये वाले 5 को मैंने कैंसिल किया, तो मेरे पास आगे क्या बच गया, -6/4 बच गया, क्यों, ये वाला ये कट गया तो ऊपर -6 और नीचे 4 रह गया, 1144 रह गया। तो 6 डिवाइडेड बाय 114 दिखता मेरे पास कुछ आता है, हाँ 1/24 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहे, तो आपके पास -1/24 क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये ही बेसिकली वैल्यू होती है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई एट फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 12/5 द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आई थी हमने जो चेक की थी, तो मिनिमम वैल्यू इज -1/24। तो ये आप खुद कर सकते हैं, तो इस लाइन को आप खुद लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।